गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसी जैसी क्वेरीज आई हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो या कमेंट में थ्रू हो, स्पष्ट कर दें कि सॉइल मैकेनिक्स के एसएससी जेई के क्वेश्चंस और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन ये सीरीज में रहेगा। इसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा अदर देन सॉइल मैकेनिक्स। अगर इसी समय आप चाहते हैं अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन, तो आप रात को 10 बजे के बाद, ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद, आप कम्युनिटी पेज पर मैजिकल तैयारी यूट्यूब चैनल के जाकर एक बार क्वेश्चंस को जरूर देखा करिए। कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन मैं डेली डालता हूँ, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक दोनों रहते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आज से कि जो सब्जेक्ट सीरीज में चल रहा है, उसके अतिरिक्त एक सब्जेक्ट पैरेलल में जो नेक्स्ट आने वाला है सीरीज में, उसको डालें और कुछ और अदर सब्जेक्ट्स को शामिल करें, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन। और आपके जो अहेड एग्जाम्स हैं, जैसे एचपीएससी है, एसएससी जेई है, तो इनके अकॉर्डिंगली ही वहाँ क्वेश्चन डलेंगे। और बहुत ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं डलेंगे कि जो बहुत इजी है, करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि डेली 20 क्वेश्चन कम से कम कम्युनिटी पेज पे रहे। तो आप रात को अगर जाएंगे तो सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी रहता है, तो ईजी रहेगा। ये जो क्वेश्चन है, आपके दो दो पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। शिफ्ट 1 सेकेंड डे का, 9 और 10 अक्टूबर, ये सेकेंड शिफ्ट का है। यानी कि 4 पेपर टोटल आए थे, आपको एक पेपर देने को मिला था प्रीवियस ईयर, जिन्होंने दिया होगा। आपको 3 और सेट हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन आए थे उनको समझना जरूरी है। और ये जैसे ही पूरा होगा, फिर से एक दो प्रैक्टिस सेट करा देंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट में चले जाएंगे। कोशिश करेंगे आगे स्पीड और अच्छी रहे, एक दिन में 2 वीडियो हो जाए। क्योंकि देखो है क्या कि बहुत जल्दबाजी में चीजें फिर हमारे पास रिटेन नहीं रहती हैं, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस हो वो बेहतर हो, कोशिश यही है। खैर, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी मेथड्स इज मोर सुटेबल टू डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ लेस परमेबल सॉइल। ये क्वेश्चन ईएससी 2022 का प्री का क्वेश्चन है, फॉर्मेट थोड़ा अलग था। यही क्वेश्चन एमपी सब इंजीनियर 2018 या 21, जो दोबारा हुआ था 21 या 22 में, उसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इसने जो पूछा है, ये पूछा है कि लेस परमेबल सॉइल के लिए कौन सा परमेबिलिटी मेथड सुटेबल है। ईएससी में पूछा था कि लेस परमेबल सॉइल के लिए 2 मेथड यूज होते हैं, ऐसा वो स्टेटमेंट दे रहा है। पहला मेथड क्या था आपका? फॉलिंग हेड मेथड था। दूसरा था कॉन्स्टेंट परमेबिलिटी मेथड, दूसरा था कॉन्स्टेंट परमेबिलिटी या कॉन्स्टेंट हेड मेथड, ठीक है। और उसने ये कह दिया था कि अब बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, एक और दो, दोनों, नाइदर वन नॉट टू। मतलब क्या फाइन ग्रेन सॉइल के लिए या लेस परमेबल सॉइल के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? अब समझिएगा, दो ही होंगी, एक फाइन ग्रेन होगी, अगर फाइन ग्रेन होगी तो लेस परमेबल होगी, कोर्स ग्रेन होगी तो मोर परमेबल होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब फाइन ग्रेन के लिए जो यूज होगा, फाइन ग्रेन के लिए जो यूज होगा वो होगा फॉलिंग हेड टेस्ट, जिसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। और कॉन्स्टेंट हेड टेस्ट जो होता है वो होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। और इसी में ये दोनों फार्मूले आप पढ़ते हैं, जो जो आप वेरिएबिलिटी वाले में पढ़ते हैं या फॉलिंग हेड में पढ़ते हैं, उसमें वैल्यू एच की अलग होती है, उसमें वैल्यू एच की अलग होती है। टी बराबर 0 पे अलग है, टी बराबर टी पे अलग है। H1/H2, इसी में फार्मूला पढ़ते हैं, 2.30 AL/AT, L log 10 base H1/H2। और जबकि कॉन्स्टेंट हेड में कौन सा पढ़ते हैं? क्यू बराबर के आई ए, आई की जगह H/L रख देते हैं, है ना, उस हिसाब से उसका फार्मूला बन जाता है। लेकिन वो फार्मूला किसके लिए वैलिड है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। फाइन ग्रेन को दूसरे पर्पज में क्या कह सकते हैं? लेस परमेबल, है ना। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फॉलिंग हेड टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और परमेबिलिटी से याद आया, एक क्वेश्चन ये भी आया है कि ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, इनकी परमेबिलिटी कैसी होती है? इनकी परमेबिलिटी कैसी होती है, मतलब ऑर्डर क्या होता है? तो जैसे जैसे आप कोर्स ग्रेन से फाइन ग्रेन की तरफ जाएंगे तो परमिलिटी घटेगी, परमिलिटी घटेगी। तो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये ऑर्डर जी जो आएगा नीचे की तरफ आएगा। कभी कभी मिलान भी दे देते हैं, तो वो देख लो, 0.1 है इधर, 0.1 से 10^-4 है, इसमें 10^-4 से 10^-8 का ऑर्डर है, और क्ले में 10^-8 से भी कम चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया है। अब हमें आई होप इससे रिलेटेड चीजें हो गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन दैट इज इंस्टॉल्ड इन सॉफ्ट स्ट्रेटा टू बिल्ड ए स्टेबल फाउंडेशन फॉर हैवी स्ट्रक्चर बाई द मेथड ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। इसने जो कहा है वो ये कहा है कि बाई मेथड ऑफ रेजिस्टेंस। अब बाई मेथड ऑफ रेजिस्टेंस का क्या होगा? अगर मेथड ऑफ रेजिस्टेंस आप लगाएंगे तो इसमें जो टाइप ऑफ पाइल यूज होती है, टाइप ऑफ पाइल यूज होती है वो होती है इंड बियरिंग पाइल।
वो क्या होती है, इंड बियरिंग पाइल होती है। अगर यहीं पे मेथड ऑफ रेजिस्टेंस की जगह वो बोल देता बाई द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, तो वहां पे फ्रिक्शन पाइल होती। जो पाइल फाउंडेशन में क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ पाइल्स का, वो बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे बेस्ड ऑन यूज हो गया, बेस्ड ऑन मटेरियल हो गया, बेस्ड ऑन लोड ट्रांसफर हो गया। तो बेस्ड ऑन मटेरियल की बात करें, अगर बेस्ड ऑन मटेरियल का बात करें, तो स्टील पाइल है, कंक्रीट पाइल है, टिम्बर पाइल है, कंपोजिट पाइल है। और बेस्ड ऑन लोड ट्रांसफर की बात करें, तो बेस्ड ऑन लोड ट्रांसफर में आपकी, ये हमने मेंशन ही कर दी है, फ्रिक्शन पाइल है, इंड बियरिंग पाइल है, और इंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल है। ये एक टाइप है, इसको ये ना समझ लेना कि कंफ्यूजिंग है ये। जैसे फ्रिक्शन पाइल एक टाइप हो गया, एक टाइप इंड बियरिंग पाइल हो गया, एक टाइप इंड बियरिंग इन फ्रिक्शन पाइल हो गया। ये तीन टाइप है ऑन द लोड ट्रांसफर। ऐसे ही आपका यूज के बेसिस पे होता है, उसमें फेंडर पाइल आती है, एंकर पाइल आती है, सीट पाइल आती है, कॉम्पेक्शन पाइल आती है, लोड बियरिंग पाइल आती है। तो यहाँ पे ऑन द बेस्ड ऑफ लोड ट्रांसफर है, और लोड ट्रांसफर में इंड बियरिंग पाइल कब होगा, जब आप एक स्टेबल फाउंडेशन हैवी स्ट्रक्चर के लिए मेथड ऑफ रेजिस्टेंस यूज करेंगे। और अगर यही फ्रिक्शन पाइल होता तो मेथड ऑफ फ्रिक्शन, और अगर यही दोनों को एग्जाम्पल दे देता इंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल, तो उसमें मेथड ऑफ रेजिस्टेंस एंड मेथड ऑफ फ्रिक्शन करते। इस बात को क्लियरली मेंशन कर दिया है ताकि इसका करेक्ट ऑप्शन इंड बियरिंग पाइल होगा। अगला क्वेश्चन, इन सॉइल मैकेनिक्स व्हाट इज डार्सी कांस्टेंट। सॉइल मैकेनिक्स में डार्सी कांस्टेंट क्या है, क्यू बराबर के आई, ये जो फार्मूला होता है उसमें क्या क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी, कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, सेल्बी ट्यूब जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज डिवाइसेज है किसके लिए। सेल्बी ट्यूब का हमने फिगर भी नीचे दिया है। सेल्बी ट्यूब जो है ये थिन वाल्ड सैम्पलर है, थिन वाल्ड सैम्पलर है, और थिन वाल्ड यूज किसके लिए होता है, थिन वाल्ड यूज होता है अनडिस्टर्ब सॉयल सैंपल के लिए, और अगर थिक वाल्ड होगा तो वो डिस्टर्ब सॉयल सैंपल होगा। अनडिस्टर्ब सॉयल सैंपल क्या होता है, जो उसका नेचुरल स्ट्रक्चर है वही रिटेन रहे तो अनडिस्टर्ब, और उसके नेचुरल स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी कर दी जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए, मोल्ड कर दिया जाए, नए तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो वो आपका डिस्टर्ब सैंपल हो जाता है। तो उसमें थिक वाल्ड सैंपलर यूज होता है, और थिन वाल्ड का एग्जाम्पल है सेल्बी ट्यूब। तो सेल्बी ट्यूब किसके लिए यूज होता है, कलेक्टिंग अनडिस्टर्ब सॉयल सैंपल। ये नीचे हमने दिखा दिया, इस तरीके से होता है, इसमें एक रॉड पड़ी हुई होती है जिसके अंदर आप सॉयल सैंपल इनबिल्ट करेंगे, ये सेफ रहती है उसकी। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो एनसी अपॉन एनक्यू फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल इच। ये क्वेश्चन हैं जो एसएससी जेई में पूछे गए हैं, उसके पर्पज से पढ़ने के लिए, आप बेताब हैं सिलेक्शन होने के लिए, तो उस पर नजर तो पैनी रखनी पड़ेगी। एनसी अपॉन एनक्यू प्योरली कोहेसिव, प्योरली कोहेसिव सॉइल जो होती है उसके लिए जो आपका फ्रिक्शनल एंगल ऑफ सॉइल होता है वो 5.0 होता है, एनसी की वैल्यू 5.7 होती है, एनक्यू की वैल्यू 1 होती है। उसने सिर्फ एनसी अपॉन एनक्यू की पूछा है, तो यह 5.7/1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5.7। एनगामा की वैल्यू पूछो तो 0 होती है। ये है क्या एनसी एनक्यू एनगामा, ये बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, डिपेंड किस पे करते हैं, फ्रिक्शनल एंगल ऑफ सॉइल पे। कोई प्योरली कोई से सॉइल में क्या होता है, फ्रिक्शनल एंगल ऑफ सॉइल 0 होता है, तो उस हिसाब से एनसी 5.7, एनक्यू 1 और एनगामा 0 होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सॉइल विद पार्टिकल साइज लेस देन, कितने एमएम के साइज से लेस जो पार्टिकल होगा उसको आप फाइन ग्रेन सॉइल कहेंगे, जिसमें सिल्ट और क्ले दोनों आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, लेकिन जब ऑप्शन पे आ जाएंगे, जैसा क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, तो आपके पास कोई और ऑप्शन बी पार्ट के अलावा है भी नहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है इस क्वेश्चन में कि कोई दूसरा लगा जाए, थोड़ा बहुत भी जानकारी अगर याद है, कंफ्यूजन ये होती है इससे कम है या इससे ज्यादा है। जो फाइन ग्रेन सॉइल है और जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, इसके बीच का पहले डिफरेंस जान लो। जो सॉइल पार्टिकल का साइज 0.075 mm से कम होगा वो फाइन ग्रेन सॉइल में आएगा, और जिस पार्टिकल का साइज 0.075 mm से 80 mm के बीच होगा वो कोर्स ग्रेन सॉइल में आएगा। ये पहला क्लासिफिकेशन याद रखना। इसके बाद अगर सिल्ट और क्ले की बात करो कि सिल्ट और क्ले को कैसे याद रखें, तो 0.075 से 0.002, 0.075 से 0.002 mm तक जिसका साइज है वो सिल्ट है, और इससे भी कम है वो क्ले है। तो सिल्ट और क्ले का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब अगर आपसे कह दें ये वाला हिस्सा तो ठीक है क्लियर हो गया, थोड़ा कोर्स में आ जाए,
कोर्स में आ जाइए। कोर्स में जब आप आएंगे तो कोर्स सेंड, मीडियम सेंड, फाइन सेंड सबसे पहले आपको मिलेगी। कोर्स सेंड 4.75 mm से 2 mm है, मीडियम सेंड 2 mm से 0.425 mm है, फिर फाइन सेंड है 0.42 mm से 0.075 mm। अब 0.075 mm से जब आप ऊपर बढ़ेंगे है ना, तब आपको ग्रेवल, कोबल, बोल्डर ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और वो 80 mm तक जाएगा और उसके ऊपर भी जाएगा, 300 mm, फिर 300 mm से ऊपर। फिलहाल यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि 0.075 mm से नीचे है तो फाइन ग्रेन सॉइल है। उसमें दो क्लासिफिकेशन होते हैं, सिल्ट और क्ले, जिसमें बीच में कौन सा बैरियर आता है 0.002 mm का, और अगर ऊपर है तो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है। नेक्स्ट किसी न किसी में जरूर क्वेश्चन और आएगा, तो और इलेबोरेट एक आपके सामने बना देंगे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्लासिफिकेशन दिखा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ मरकरी यूज्ड इन श्रिंकेज लिमिट अपरेटस कितना होता है? देखो, अब वो डेंसिटी ऑफ मरकरी तो 13.6 ग्राम पर cc होता है। उसने केवल आपको ये समझाने के लिए कि हम श्रिंकेज लिमिट अपरेटस से अटैच क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक फाइल का क्वेश्चन है, बाकी वो चाहे तो डेंसिटी ऑफ मरकरी भी पूछ सकता है, फ्लड का क्वेश्चन बन जाता। 13.6 ग्राम पर cc होता है। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है? मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट काज ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। अगर वाटर कंटेंट घट भी रहा है किसी भी तरीके से, तो वॉल्यूम जो होगा सॉइल का वो कम नहीं होगा। ऐसी पॉइंट पे जो वाटर कंटेंट होए उसी को श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। वो वैल्यू वाटर कंटेंट की, इट इज द लोवेस्ट वाटर कंटेंट एट विच ए सॉइल कैन स्टिल बी कंप्लीटली सेचुरेटेड। तो ऐसे अगर पूछ दिया जाए, द लोवेस्ट वाटर कंटेंट एट विच ए सॉइल कैन स्टिल बी कंप्लीटली सेचुरेटेड इज नोन एज। ऑप्शंस हैं श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज रेशियो। करेक्ट ऑप्शन होगा श्रिंकेज लिमिट। तो इस चीज को भी याद रखिए, ये हमने ऐसे ही अपरेटस आपको दिखा दिया। आठवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आठवां क्वेश्चन है, प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट इज मेड टू डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल विल बी कंपैक्टेड टू ऑप्टेन। उसका कहने का मतलब है, जो हम प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट करते हैं उससे हमें कर्व मिलता है। उस कर्व में हमारा पर्पज होता है कि ओएमसी को डिफाइन करें, और जब ओएमसी को डिफाइन करते हैं तो पैरेलल में हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी डिफाइन करनी पड़ती है। तो वो वही पूछ रहा है, जो मॉइस्चर कंटेंट आप निकालते हैं उसके लिए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की डिफिनीशन हमें डिफाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। इस पे हमने प्रीवियस दो वीडियो में खूब सारे क्वेश्चन कर लिए। अब आप ये देखिए कि अगर 10 क्वेश्चन पे हमारी कमांड सही से है, इन डेप्थ एंड इन विड्थ, तो पूरा का पूरा चाहे किसी शिफ्ट में आप जाएं, वैसे कहना कंपेरेटिवली कि उसका शिफ्ट इजी था, उसका डिफिकल्ट था, वो एक अलग एस्पेक्ट होता है। एक एक क्वेश्चन पे जाना, एक एक सब्जेक्ट पे जाना, उस सब्जेक्ट की डेप्थ में क्वेश्चन किधर से कितना पूछा जा रहा है, तो आप रियलाइज करेंगे कि अपनी तरफ से जो क्वेश्चन मेकर होता है वो पूरी कोशिश करता है कि बैलेंस बना रहे, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। इसमें 10 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन थोड़ा कॉमन था, वो मुझे लग रहा था कि इसको मेटेरियल या कंक्रीट में होना चाहिए या बीएमसी में होना चाहिए, तो मैंने उसको हटा दिया। आलो 10-10 का रेशियो चल रहा है, हमने 9 ही शामिल किए। लास्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिजाइंड फॉर। फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर किसके लिए डिजाइंड होता है? जन सीयर फेल्योर ऑफ सॉइल्स के लिए। और सीयर फेल्योर ऑफ सॉइल्स कौन कौन होती है? एक जनरल सीयर फेल्योर होती है, एक लोकल सीयर फेल्योर होती है, और एक पंचिंग सीयर फेल्योर होती है। जनरल सीयर फेल्योर किसके लिए होती है? डेंस स्टिप सॉइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी। ये एज क्वेश्चन के फॉर्मेट में अलग से पूछा जाता रहा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अलग से क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा गया कि जनरल सीयर फेल्योर अकर्स इन विच टाइप ऑफ सॉइल, तो डेंस स्टिप विद लो कंप्रेसिबिलिटी। लोकल सीयर फेल्योर लूज एंड सॉफ्ट सॉइल में होती है, और जो पंचिंग सीयर फेल्योर होती है वेरी लूज एंड सॉफ्ट सॉइल में होती है, और ये कंबाइंड करके बोला जाता है सीयर फेल्योर ऑफ सॉइल्स। ये फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है? सीयर फेल्योर ऑफ सॉइल्स के लिए। तो ये क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।